हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पान के पत्ते के उपयोग और पान के पत्ते खाने के कुछ सुने अनसुने फायदों के बारे में। इंडिया में पान खाने की परंपरा काफी पुरानी है। इंडिया के बहुत से हिस्सों में पान की खेती होती है, खास करके बनारस में, जिसे हम बनारसी पान भी कहते हैं। पान के पत्तों का स्वाद कसैला जरूर होता है, लेकिन इसको खाने वाले इसमें कत्था, सौंफ, लौंग डालकर बड़े मजे से खाते हैं। कुछ लोग पान खाने को गलत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि पान खाने से हम कितने स्वस्थ और कितने बीमारियों से बच सकते हैं। गले में खराश या दर्द होने पर पान के पत्तों के 5 ml रस को 1 glass गर्म पानी में मिलाकर पीने से गले की खराश दूर हो जाती है। बड़े बड़े सिंगर्स अपने गले को अच्छा रखने के लिए इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। पान की पत्तियां चबाने से मुंह में होने वाली बदबू खत्म हो जाती है। पान खाने वाले की लार में स्कॉर्बिक एसिड का लेवल सामान्य रहता है, जिससे मुंह में होने वाली कई बीमारियां कम हो जाती है। पान चबाने से दांत साफ हो जाते हैं, जिससे कैविटीज होने के चांसेस कम होते हैं। पान खाने से डाइजेशन के लिए जरूरी पाचक रसों की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे डाइजेशन तेजी से होता है और पेट से जुड़ी बीमारियां नहीं होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा खाना भी खा लिया है तो पान खा लेने से वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। पान के पत्तों को पीसकर उसे कपड़े की पोटली में बांधकर तवे पर गर्म करें, फिर इससे जोड़ों की सिकाई करें। आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। पान के 11 पत्ते 2.5 liter पानी में उबाल लें, फिर इस पानी से अपने योनि को वॉश करें। वाइट डिस्चार्ज की समस्या नहीं होगी। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। पान के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है और इन्फेक्शन से बचा रहता है। पेट में दर्द होने पर पान की चिकनी वाली साइड पर आरएनडी या नारियल का तेल लगाएं, फिर इस तेल को मोमबत्ती के ऊपर गर्म करें, फिर इसे पेट पर रख के सिकाई करें। ऐसे करने से आपको राहत मिल जाएगी। तो आज से ही खाइए पान और रहिए स्वस्थ। इसी के साथ पान के पत्तों के फायदे पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना न भूलें। इस चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास न आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।